हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछली वीडियो में आप लोग ने देखा ही होगा, तो हम लोग उड़ीसा आ चुके हैं। उड़ीसा के क्वारंटाइन में रहने के बाद हम लोग को बाहर कर दिए थे 14 डेज में। 14 डेज में तो हम उड़ीसा में केंद्रापड़ा गांव का तो नाम तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी है कहीं पे, हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा। तो हम आज केंद्रापड़ा के एक छोटे से गाँव के अंदर है। केंद्रापड़ा बहुत बड़ा लाइक डिस्ट्रिक्ट जैसा है, उसके अंदर एक गांव है, उसका नाम घंटपदा ऐसा कुछ है, नाम तो पता नहीं है मुझे ठीक से पता। वहाँ से अभी रास्ते पे हम लोग खड़े हैं, देख सकते हैं वहाँ पे एक नदी नदी जैसा है, वहाँ पे देख देख रहे हैं ना, वहाँ पे नदी जैसा है, बहुत बड़ा है यार, नज़ारा भी अच्छा है। तो आज हम जाने वाले हैं रंथगिरी पहाड़ के पास, रंथगिरी हिल्स, ओडिशा के रंथगिरी हिल्स के पास जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग्स विथ फंस। जाने से पहले हम ये नदी है ना, वो वाला नदी, वहाँ पे वहाँ उसके पास थोड़ा जाके आ जाते हैं। चलिए, खाइए 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 हाय। तो नीचे उतर चुके हैं, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे, सारा बहुत बढ़िया है यार, यहाँ पे सच में देख सकते हैं। तो आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा ये ओडिशा का खूबसूरती। आप लोगों से दरख्वास्त है ओडिशा आइए घूमिए, पर अभी नहीं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आइए दोस्तों। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जरूर आइएगा, विजिट कीजिए। ये देखिए अच्छा है ना नज़ारा वहाँ पे। तो चलते हैं, चलो इसके बाद रत्नागिरी है, उसका नाम रत्नागिरी पहाड़ है, सॉरी यार मेरे को नाम नहीं पता था तो गलती से बोल दिया। तो चलो रत्नागिरी पहाड़ तक चलते हैं, हमारा सवारी आ चुका है, इससे हम जाएंगे आज। तो चलो, ये हम निकल चुके हैं अभी, तो डेस्टिनी कुछ 4-5 किलोमीटर है ये गांव से, तो वहाँ पे चलते हैं। शायद लॉकडाउन की वजह से बंद होगा, नहीं बंद नहीं होगा, खुला ही होगा शायद, देखते हैं, हो गया है ना। It was raining in the sky.
तो चलो परमिशन मिल गया, परमिशन मिल गया। ए बटर बोले गया एडी एडी, तो ये बोल रहे हैं यहाँ से जाके कि सीधा जाके जो वॉल है वहाँ से ऐसा देख के यहीं पे आके रीच करना है। अरे वो तो बढ़िया लग रहा है यार नज़ारा यहाँ पे, ये पानी के वजह से शायद ग्रीन हो गया है, मस्त दिख रहा है। तो आ चुके हैं दोस्तों, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है यार सच में। एक छोटा सा लाइक एग्जीबिशन के लिए, लाइक हॉलीडेज के लिए, कपल्स के लिए तो बहुत अच्छा जगह है यार सच में बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा जगह। और ये हॉलीडे के लिए दोस्तों के साथ आ सकते हैं आप लोग, तो एक छोटा सा लाइक एग्जीबिशन के लिए अच्छा ही है, नेचर भी बहुत अच्छा है ना। तो रुकिए, इसके आगे भी जाएंगे हम लोग, ठीक है, कि आगे जाके आपको नेचर का नज़ारा दिखाऊंगा। तो वहाँ पे मेरा भाई फोटोशूट कर रहा है, तो वहीं पे मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे जाके और भी अच्छा रहेगा, फोटोशूट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फोटोशूट करने का बढ़िया, वहाँ देखिए दोस्तों, वहाँ देखिए गाय ये सब, वहाँ पे नेचर ही फुल है, वो उधर जाके हम लोग फोटोशूट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। ये कुछ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे सुंदर है ना, ये शायद कुछ हिस्टोरिकल प्लेस ही है शायद, मेरे ख्याल से तो हिस्टोरिकल ही प्लेस है। यहाँ का हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, घर जाने के बाद गूगल पे सर्च करेंगे उसमें क्या है, गूगल भाई जिंदाबाद है ना। यहाँ पे फोटोशूट, मम्मी उम्मीद है आप लोग को सब वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन में बाहर मत आइए, आपको एंटरटेन करना हमारा जॉब है, इसीलिए तो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, आप लोगों को मनोरंजन दे सकूं। उफ, थकान हो गया यार, पसीना आ रहा है। ये इसके अंदर क्या है देखना होगा, इसके अंदर का नहीं क्या, यहाँ पे एक गेट है बड़ा, वेदर भी अच्छा ही है आज, चलो इस गेट के अंदर भी चल देखते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स बहुत है, ये गेट बंद है। ओह
वहां पे एक रास्ता है, मैं देखा ही नहीं। मैं बोल रहा था ना तो कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है, देखिए मोनास्ट्री नंबर वन। वहां पे एक बोर्ड लगा है, वहां पे कुछ लिखा है मोनास्ट्री नंबर वन वहां पे। वाओ, आप बिलीव नहीं, वाओ, उड़ीसा में इतना अच्छा जगह है। देखो यार हिस्टोरिकल प्लेस में क्या क्या, अरे बाप रे, ऐसा जगह कहीं मिलेगा आपको। इसका नाम, जगह का नाम है रत्नागिरी, तो आप लोग याद रखिएगा, जरूर आइएगा। वाओ, इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग। So beautiful, gorgeous, outstanding। अरे वाह, वहां देखिए, वहां बुद्धा का भी स्टैचू है। एक मिनट दिखाता हूँ, वहां पे जाने से देख ही सकते हैं आप लोग। एक मिनट देखिए नजारा, देखिए यार, सब कुछ हिस्टोरिकल टेंपल है यार। रत्नागिरी जगह का उड़ीसा में एक हिस्टोरिकल टेंपल है शायद, ये शायद अशोक सम्राट का जब राज कर रहे थे यहाँ पे तब बना था, क्योंकि मूर्ति का फेस थोड़ा बिगड़ा हुआ है। एक मिनट, आपको पूरी दिखाई नहीं दे रहा है, मूर्ति फेस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है यार, डर लग रहा है सांप वगैरह आया तो। यहाँ पे कुछ गुप्त कमरा है शायद, यहाँ पे पता नहीं क्या है। फोकस भी जा रहा है, लाइट फोकस जा रहा है, फोकस जा रहा है। सुन रहे ना, ये क्या है यहाँ पे, देखते हैं क्या है। ये तो बंद है, इस तरफ भी बंद दिया क्यों है। बाहर देखिए, अरे बाप रे, इसका एक चक्कर मारते हैं, रुकिए। चीज क्या है, सुंदर है, इसके अंदर क्या है। कभी कभी डर तो लगता ही है, सांप वगैरह हुआ तो। ये शायद कोई नली है, यहाँ कनेक्ट होता है शायद, ये अंदर ऐसे इतना ही है बस। क्या जेल वगैरह है क्या, सुंदर जगह है सच में। आप लोगों को फिर से बोलता हूँ, ये जगह को मिस मत करिएगा। उड़ीसा जब भी आइएगा तो रत्नागिरी जरूर घूम के जाइएगा। केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंदुपुर के थोड़ा आगे जाने से ये गांव रत्नागिरी पड़ता है। वहां से आप लोगों को पूछेंगे तो वो बोल देंगे आपको। यहाँ पे भी सेम है, ऐसे ही है, देखिए भी सेम है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ये जगह का राजा है ना, मेरे नाम अगर लिख दिया होता तो ये प्रॉपर्टी सब मजाक कर रहा था यार। देखिए
देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे तो हिल्स तो वो छोटा ही था, हिल्स के ऊपर इतना अच्छा लाइक व्यू है मुझे पता ही नहीं था दोस्तों। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, जाके देखना होगा। अरे बाप रे, यहाँ पे इतना ये तोड़ा गया है क्या? यहाँ पे शायद कैंडल वगैरह ये सब लगते थे, राजा महाराजाओं का घर मंदिर है शायद ये। इसके ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ क्या? तो अरे बाप रे, नहीं 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 होगा, ट्राई करते हैं। अरे बाप रे, पैर फिसल रहा है। अरे बाप रे, हाँ हो गया हो गया, थोड़ा और, थोड़ी सी और। हाँ हाँ, ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। आओगे भैया, आओगे? मेरा एक फोटो ले लो ना यहाँ पे। चीज वहां पे मम्मी बैठी, मम्मी थक गई, मम्मा थक गई। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रहा है सच में, सच में। बस यहीं पे बाहर जाएंगे अभी। देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे तो हिल्स तो वो छोटा ही था, हिल्स के ऊपर इतना अच्छा लाइक व्यू है मुझे पता ही नहीं था दोस्तों। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, जाके देखना होगा। तोड़ा गया है क्या? यहाँ पे शायद कैंडल वगैरह ऐसे लगते थे, राजा महाराजाओं का घर मंदिर है शायद ये। के ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ क्या? अरे बाप रे, नहीं 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 होगा, ट्राई करते हैं। अरे बाप रे, पैर फिसल रहा है। अरे बाप रे, हाँ हो गया हो गया, थोड़ा और, थोड़ी सी और। हाँ हाँ, ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। आओगे भैया, आओगे? मेरा एक फोटो ले लो ना यहाँ पे। चीज। वहाँ पे मम्मी बैठी, मम्मी थक गई।
मम्मा थक गई। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रहा है सच में। इसमें बस ये यहीं पे बाहर जाएंगे अभी। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, वो हिस्टोरिकल प्लेस देखे वो मज़ा आया होगा। मेरे तो होश ही उड़ गए यार, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा लवली प्लेस यहाँ पे रहेगा। तो आपको मज़ा आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा, कौन सा लाइक मॉन्यूमेंट का चीज़ अच्छा लगा मेरे को कमेंट कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो जो ओडिशा में रहते हैं मेरे को कमेंट कीजिए, आई एम इन ओडिशा, तो मैं जान सकूँ उड़ीसा में कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो उनके घर के पास लाइक अच्छा अच्छा जगह रहेगा तो वहाँ पे भी जाके घूम सकते हैं। इसलिए तो अभी चलते हैं हम लोग, इतना ही बस आज के लिए, बाय।